स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर से हम एक नए यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में यूनिट वन में गिवन है। तो बेसिकली बच्चों इस यूनिट के अंदर हमें सेमीकंडक्टर डायोड और उसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायोड के बारे में पूरा डिस्कशन करना है। यहाँ पे देखिए सिलेबस मैंने यहाँ पे शो किया है इस स्क्रीन पे, सेमीकंडक्टर डायोड, इसका एप्लीकेशन और स्पेशल टाइप के कुछ डायोड्स होते हैं उन्हें हमें इस डिस्कशन करना है इस पूरे यूनिट के अंदर। तो बच्चों बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही कोर यूनिट है, कोर टॉपिक है डायोड। क्योंकि अगर आपको डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे बहुत सारी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके बाद का जो यूनिट है जिसमें हम ट्रांजिस्टर पे डिस्कशन करेंगे बच्चों, तो ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएंगे जब आपको डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये बहुत ही कोर कंपोनेंट है, बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ना है तो मैं सारे बच्चों से ये अपील करूँगा कि एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को आप समझेंगे, कुछ रटना नहीं है आपको। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं जोर दे के कहूँगा कि आपको इसको बहुत ही कायदे से समझना है इसके कॉन्सेप्ट्स को। तो बच्चों डायोड एक बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और इस डिवाइस का यूज करके हम कई सारे ऐसे सर्किट को डिज़ाइन करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनको ये फुलफिल करता है। तो डायोड पढ़ने से पहले हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल जानना होगा, क्योंकि डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिज़ाइन किया जाता है। और जब तक आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उस मटेरियल में जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड वो आपको अगर नहीं समझ में आते हैं तो आपको डायोड नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है क्या? ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने लेक्चर का फर्स्ट डे था उसी में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो ये शो करती है कि उस मटेरियल में कितना करंट कैरी हो रहा है। जिस मटेरियल में जितना ज़्यादा करंट कैरी होगा उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी बच्चों किसकी होती है? कंडक्टर में। कंडक्टर में करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, बहुत आसानी से करंट फ्लो कर जाता है कंडक्टर के अंदर, इसलिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इंसुलेटर में बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करता है, मीन्स उसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है। इन दोनों मटेरियल के कंडक्टिविटी के बीच के कंडक्टिविटी का एक मटेरियल होता है जिसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। मीन्स सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये बिल्कुल कंडक्टिंग मटेरियल से डिफरेंट है। इसमें जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं रिगार्डिंग फ्लो ऑफ करंट वो बिल्कुल अलग हैं कंडक्टर से, इसलिए बच्चों हमको सबसे पहले सेमीकंडक्टर को समझना पड़ेगा, तब हम इससे जो भी डिवाइस बनाते हैं उसको समझेंगे। जैसे कि इस यूनिट में डायोड एक डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिजाइन होता है, और फिर अगले यूनिट में हम ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसका नाम है सेमीकंडक्टर, मीन्स कंडक्टिविटी बीच की होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच की। ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल में, या आप यूँ कह लें कि जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल डायोड या ट्रांजिस्टर, इन डिवाइस के कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उनको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो
पहले मैं उन्हीं को समझाऊंगा ताकि आपको डिवाइस पढ़ने में, सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म थर्मल वोल्टेज। अब ये थर्मल वोल्टेज क्या होता है? अब तक आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना था थर्मल वोल्टेज का, बट यहाँ आपको थर्मल वोल्टेज समझना पड़ेगा। थर्मल वोल्टेज बच्चों बेसिकली टेम्परेचर का इक्विवेलेंट वोल्टेज है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर किसी डिवाइस का टेम्परेचर चेंज होता है तो उस टेम्परेचर के चेंजिंग की वजह से उस डिवाइस के आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजिंग होगी, या वो टेम्परेचर का वेरिएशन उस डिवाइस पे क्या इफेक्ट डालेगा, इसको जानने के लिए थर्मल वोल्टेज को जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे अफेक्ट हुआ, इसको जानने के लिए आपको थर्मल वोल्टेज को जानना अति आवश्यक है। उसका कारण है, टेम्परेचर में सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड की चेंजिंग हुई किसी भी डिवाइस के टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड की चेंजिंग हुई, अब इस टेम्परेचर का वेरिएशन की वजह से इस डिवाइस पे क्या इफेक्ट पड़ा, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वोल्टेज के साथ डील होता है। भाई अगर हम किसी डिवाइस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, यहाँ पर देखिए सपोज हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम वोल्टेज के साथ डील करते, मीन्स हमें जो भी इसके इनपुट में अप्लाई करना है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वोल्टेज के फॉर्म में, और इसका आउटपुट भी बच्चों हमें वोल्टेज के फॉर्म में ही मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मिलेगा। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को ये टेम्परेचर का वेरिएशन किस प्रकार से चेंज कर रहा है, तो उसके लिए हमें इस डिवाइस के आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजिंग हुआ ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ दिस टेम्परेचर, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब टेम्परेचर के वेरिएशन को वोल्टेज के वेरिएशन से कैसे रिलेट करोगे? भाई टेम्परेचर अलग फिजिकल क्वांटिटी है और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये अलग क्वांटिटी है। टेम्परेचर और पोटेंशियल डिफरेंस का कोई लेना देना नहीं होता है, बट इस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो वोल्टेज का वेरिएशन का कितना इक्विवेलेंट होगा, ये हम थर्मल वोल्टेज की मदद से जान सकते हैं। भाई कोई भी डिवाइस सपोज T1 टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है, और अगर किसी कारणवश उसका टेम्परेचर राइज हो गया, तो इस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से इस डिवाइस के वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए आपको ये जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हुआ है या टेम्परेचर का जो वेरिएशन हुआ है, उस टेम्परेचर के वेरिएशन के इक्विवेलेंट वोल्टेज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप वोल्टेज के साथ डील करते हो, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब तो होता है बट आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हो वो विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बात करते हो, तो जो कुछ भी इसमें चेंजिंग होगा वो वोल्टेज के टर्म में होगा, बट यहाँ जो चेंजिंग हो रहा है वो टेम्परेचर का हो रहा है, तो उस टेम्परेचर का चेंजिंग का कितना वोल्टेज इक्विवेलेंट चेंजिंग होगा, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे थर्मल वोल्टेज से। बात समझ में आई बच्चों? आप सब जानते होंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं
वो लो वोल्टेज ऑपरेटेड होते हैं, लो वोल्टेज ऑपरेटेड। भाई आपका मोबाइल फोन है उसमें बहुत कम वोल्टेज का बैटरी इस्तेमाल होता है, आपका कैलकुलेटर है उसमें भी बहुत कम वोल्टेज का सेल इस्तेमाल होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, यहां भी हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ डील करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पावर सप्लाई हम यूज करेंगे उनको ऑपरेट करने के लिए वो बहुत ही कम वोल्टेज का होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ही कम वोल्टेज के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो उस वोल्टेज में कम से कम वेरिएशन को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज मिली वोल्ट रेंज का है, ठीक है, किस रेंज का है, मिली वोल्ट रेंज का है। तो मिली वोल्टेज चूंकि बहुत कम वैल्यू है, बहुत लो वैल्यू है, इसलिए अगर कहीं मिली वोल्ट का भी वेरिएशन होगा, इवन माइक्रो वोल्ट का भी वेरिएशन होगा, तो हमें उस वेरिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्योंकि बच्चों माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट कंपेरेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट वोल्टेज 1000 वोल्ट रखा, आउटपुट वोल्टेज आपको 500 ये मिली वोल्ट है, मैंने गलत कर दिया, 1000 मिली वोल्ट मीन्स 1 वोल्ट आपने इनपुट रखा और आउटपुट आपको 500 मिली वोल्ट या आप यूं कह ले 0.5 वोल्ट इस रेंज का मिल रहा है। तो अगर यहां इस डिवाइस में मिली वोल्ट में चेंजिंग हुआ, सपोज कहीं 50 मिली वोल्ट का चेंजिंग हुआ किसी कारणवश हो गया, तो क्या आप इसको इग्नोर करोगे? इस वोल्टेज का जो वेरिएशन है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देखो जो आप जिस वोल्टेज के साथ डील कर रहे हो वो भी मिली वोल्ट रेंज का है। आप देखिए यहाँ पे 1000 मिली वोल्ट, 500 मिली वोल्ट, तो जो जिस वोल्टेज के साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत कम रेंज का है, इसलिए हमें कम से कम वेरिएशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा इस डिवाइस के लिए। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो इस डिवाइस के लिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, इलेक्ट्रिकल डिवाइस मीन्स आपके घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगे हैं जिनको आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी बोल सकते हो, आपका ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, फैन है, तो बच्चों वो सारे डिवाइस कितने वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं? 220 वोल्ट पे, सब बच्चे जानते हैं। अगर हम इसे मिली वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 220 × 1000 ये हो जाएगा 220000, देख रहे हो 220000 मिली वोल्ट। तो इतने वोल्ट के कंपैरिजन में 50 मिली वोल्ट क्या कंपेरेबल है? कोई इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। 50 मिली वोल्ट इज मच मच स्मॉलर देन 220000 मिली वोल्ट। इसलिए बच्चों आप ऐसे डिवाइस जो हाई वोल्टेज से ऑपरेट हो रहे हैं या ऐसे डिवाइस जिसमें आप हाई वोल्टेज के साथ डील कर रहे हो उसमें छोटे से छोटे वोल्टेज को, छोटे से छोटे वेरिएशन के वोल्टेज को आपको क्या करना है? इग्नोर कर देना है। इस 50 मिली वोल्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है 220 वोल्ट के कंपैरिजन में, बट यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर 50 मिली वोल्ट का महत्व तो है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये लो वोल्टेज के साथ डील होता है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हाई वोल्टेज के साथ डील होता है। इसलिए बच्चों जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े तो उसमें जब आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस पढ़ते हो, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, तो उसमें कहीं भी थर्मल वोल्टेज का नाम नहीं लिया जाता है, मीन्स टेम्परेचर के चेंजिंग की वजह से उस डिवाइस पे क्या इफेक्ट पड़ा वो आप उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज आप कैलकुलेट नहीं करते हो, क्योंकि टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से जो वोल्टेज में वेरिएशन होता है या उस टेम्परेचर का वेरिएशन का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आता है वो बहुत कम आता है। तो उस कम वोल्टेज को आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वोल्टेज
टेम्परेचर का जो चेंजिंग का इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है उसको थर्मल वोल्टेज से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि थर्मल वोल्टेज बेसिकली टेम्परेचर को वोल्टेज से रिलेट करता है, टेम्परेचर के वेरिएशन से कितना वोल्ट इक्विवेलेंट वोल्टेज में चेंज, उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज में क्या वेरिएशन हुआ इसको कैलकुलेट करता है। बात समझ में आई? क्योंकि बच्चों आप यहां वोल्टेज के साथ डील कर रहे हो, इसलिए जो भी आप वेरिएशन की बात करोगे, इफेक्ट की बात करोगे, वो वोल्टेज के टर्म में करोगे, और यहां जो वेरिएशन हो रहा है वो टेम्परेचर का हो रहा है। तो अब उस टेम्परेचर के चेंजिंग के इक्विवेलेंट क्या वोल्टेज में चेंजिंग हुआ ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेट करेगा बच्चों थर्मल वोल्टेज। बात समझ में आई? चूंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर के वेरिएशन से बहुत कम वोल्टेज का इक्विवेलेंट आता है, जो जैसे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड करो, इवन 100 डिग्री सेंटीग्रेड करो, तो उस वेरिएशन का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आता है वो बहुत कम आता है। इसलिए हम ऐसे डिवाइस जो हाई वोल्टेज के साथ डील होते हैं उनमें हम कंसीडर नहीं करते हैं, बट जो डिवाइस लो वोल्टेज के साथ डील होते हैं उनको हमें, उनमें हमें इस वेरिएशन को कंसीडर करना होता है। इसलिए हम थर्मल वोल्टेज की बात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बच्चों बहुत ही लो वोल्टेज के साथ ऑपरेट होते हैं, मीन्स उसमें जो भी वोल्टेज वोल्टेज की वैल्यू आती है वो बहुत कम रेंज की आती है। इसलिए हमें थर्मल वोल्टेज को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिस्कस करना होता है। तो कैसे आप टेम्परेचर को वोल्टेज से रिलेट करोगे, टेम्परेचर के चेंजिंग का इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे डिटरमाइन करोगे, तो उसके लिए एक्सप्रेशन है बच्चों वीटी इज इक्वल टू केटी बाई क्यू, और इसी वीटी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक। अब इसमें के क्या है भाई, तो के है बच्चों बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। आप 11th 12th के फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, हीट वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम लिया जाता है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²⁻³ जूल पर कैल्विन, ठीक। अब जब कैल्विन आप इसका यूनिट रख रहे हो तो आपको टेम्परेचर को भी किस में रखना पड़ेगा, कैल्विन में। तो यहाँ एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि टी शुड बी इन कैल्विन, कैल्विन में हमेशा आप टेम्परेचर को रखोगे। क्यू क्या है, क्यू इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, द वैल्यू ऑफ क्यू इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब ये दोनों वैल्यू जब हमने इस एक्सप्रेशन में पुट किया के और क्यू की वैल्यू, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया वीटी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 11,600, टी डिवाइडेड बाई 11,600 वोल्ट, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, क्योंकि बार बार आप के और क्यू की वैल्यू पुट करो फिर कैलकुलेट करो, तो इससे अच्छा है कि पका पकाया एक्सप्रेशन आप याद कर लो। के और क्यू के वैल्यू पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है आप उसको याद कर लो, टी डिवाइडेड बाई 11,600 वोल्ट, ठीक। अब आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर पे कर दिया, और रूम टेम्परेचर कितना होता है सब बच्चे जानते हैं, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। बट हमें तो हुआ क्या भाई, आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर पे लाया, तो उस डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो 0 से कहाँ हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ। तो अब इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा भाई, इस टेम्परेचर के वेरिएशन का इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे किससे, थर्मल वोल्टेज की मदद से, VT इक्वल टू T डिवाइडेड बाई 11,600, ठीक है। तो जब आप इसमें T की वैल्यू पुट करोगे, और मैंने बताया था T को आपको किस में रखना है, कैल्विन में रखना है, तो जब आप इसको कैल्विन में करोगे तो 273 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 300 कैल्विन आएगा। अब इस 300 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जब आप 300 की वैल्यू पुट करते हो तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों 0.0256 वोल्ट, और अगर आप इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करो तो लगभग 26 मिली वोल्ट के करीब आएगा, ओके। यानी
अगर किसी डिवाइस को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे तो उस टेम्परेचर के चेंजिंग का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा या जो हमारे डिवाइस पे अफेक्ट डालेगा वो 26 मिली वोल्ट का अफेक्ट होगा। बात समझ में आई बच्चों? तो अब ये किस प्रकार से अफेक्ट डालेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा डिवाइस क्या है, तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये अफेक्ट करेगा। बट हाँ, टेम्परेचर के वेरिएशन का हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल दिया। बात समझ में आई? तो आपने देखा यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आया वो 26 मिली वोल्ट आया। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत कम है। तो ठीक है भाई, कम है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कम है? जो डिवाइस हाई वोल्टेज ऑपरेटेड है उसके रेस्पेक्ट में कम है। मीन्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के रेस्पेक्ट में ये बहुत कम है, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 26 मिली वोल्ट का भी सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? इसलिए आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में थर्मल वोल्टेज की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी कहानी बताई, क्यों कहानी बताने से थोड़ी फीलिंग आ गई, वरना मैं सीधे सीधे आपको बता देता वीटी भाई थर्मल वोल्टेज वीटी होता है, केटी बाई क्यू होता है, वैल्यू पुट करो और इसको रट लो। बट हाँ, थोड़ा सा इसका यूज और इसको थोड़ा समझने से थोड़ी फीलिंग आ गई। अब आपको जहाँ भी थर्मल वोल्टेज आएगा या जहाँ भी टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा तो उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा वो जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बस इतना ही करते हैं इसमें, इस लेक्चर में। इसके बाद एक टर्म पे हम और डिस्कशन करेंगे वो अगले लेक्चर में। तो अभी बस इतना ही करिए। धन्यवाद आपका।